हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुराने लैपटॉप को नया कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली हम यहां पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि लैपटॉप को फास्ट कैसे करें। जी हाँ, और यहां पर एक सिंपल सा एक नया सा टिप्स बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल मैंने अपने लैपटॉप को फास्ट करने में किया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इसमें मैंने क्या किया है कि जब भी हम देखते हैं कि जब हमारा लैपटॉप स्लो हो जाता है तो हमें अपने लैपटॉप या पीसी का लैपटॉप का जो सी ड्राइव है उसको क्लीन करना होता है। तो लोग अपने लैपटॉप के सी ड्राइव को क्लीन करते हैं, लेकिन नया तरीका बताने वाला हूं जिससे आपको सी ड्राइव को क्लीन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या जितने भी जो फाइलें जो सी ड्राइव में सेव होती हैं उन सबको स्विच कर सकते हैं दूसरे ड्राइव में। तो यही मैं आप लोग को इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम के प्रतिपति, स्वागत करता हूं राम जी के चैनल में। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप के फास्ट करने में जो टिप्स अपनाने वाला हूं वो ये है कि हम जो है अपने ड्राइव की सेटिंग करने वाले हैं, यानी कि सी ड्राइव का जो सेटिंग है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें यहां पर विंडो के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और यहां पर सेटिंग वाले आइकन पर जाना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हमें यहां पर सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सिस्टम में जाने के बाद यहां पर हमें जो है स्टोरेज वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहां पे, हमें इस पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपके जो विंडो 10 में ये सी ड्राइव है उसमें जो है देखिए इतना जो है 99 GB, मतलब इसका स्पेस है, एक तरह से 100 GB का मान सकते हैं, उसमें से 17 GB यूज है। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कर दिया, मतलब रीसेट कर दिया है, ठीक है, और ये खाली कर दिया है, मैंने अभी जस्ट किया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए कि ये मतलब अपने लैपटॉप को रीसेट कैसे करें, कंप्लीट रीसेट कैसे करें, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको बहुत जल्द ही इस पर वीडियो बना के दूंगा, वो भी कंप्लीट, पर पूरी तरीके से साफ एकदम पुराने लैपटॉप को नया बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर ये ड्राइव है। ओके, यहां पर ही सब फाइलें आती है, एप्स आते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें आते हैं। नीचे आएंगे यहां पर तो हमें एक सेटिंग मिलेगी जैसे कि चेंज वेयर न्यू कंटेंट इज सेव। ठीक है, चेंज वेयर न्यू कंटेंट इज सेव का मतलब ये है कि आप जो है अपना नया कंटेंट कहां सेव करना चाहते हैं वो चीज आप यहां पर सेट कर सकते हैं। तो इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे कि इसमें एक ऑप्शन आ रहा है, चेंज वेयर योर एप्स डॉक्यूमेंट म्यूजिक पिक्चर वीडियोस एंड मैप्स आर सेव्ड बाय डिफॉल्ट। मतलब डिफॉल्ट रूप से ये जो चीजें हैं ना, सारी जो कि ये विंडो 10 सी ड्राइव में ही जा रही हैं। जैसे कि नया जो एप्स है वो भी जो है जब हम डाउनलोड करेंगे तो सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट रूप से जो है यहां पर सेट हो जाएगा, यानी कि सेव हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट है वो भी यहां पर विंडो के सी ड्राइव में जो है सेव हो रहा है। न्यू म्यूजिक है वो भी सी ड्राइव में सेव होता दिखाई दे रहा है। न्यू फोटो और वीडियोस है वो भी विंडो के सी ड्राइव में ही सेव होता दिखाई दे रहा है। यहां जो सेटिंग की गई है, मतलब पहले से विंडोज में, उसके अकॉर्डिंग ये जो जितने भी चीजें हैं सेव हो रही है बाय डिफॉल्ट रूप से सी ड्राइव में, और इसीलिए हमारा जो लैपटॉप का सी ड्राइव फुल हो जाता है, मतलब पूरा भर जाता है, तो हमें खाली करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद से बार बार आपको अपने लैपटॉप का सी ड्राइव जो है चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एम्प्टी भी नहीं करना पड़ेगा, क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा। हमें करना क्या है, सिंपली यहां पर जाना है, एरो बटन पर क्लिक करना है और यहां से इसका जो सी ड्राइव है ना, इसको लोकल डिस्क ड्राइव में जो है हमें सेट कर देना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर जो है अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर हमने इसको डी ड्राइव में कर दिया। ध्यान से देखिए, यहां पर हम जाते हैं अपने फोल्डर में, अपने लैपटॉप के फोल्डर में जाएंगे और यहां पर देखिए ये जो चीजें हैं, जो मान लीजिए कि ऐसे डिस्क पीसी में जाते हैं तो यहां पर देखिए कुछ इस तरीके से काम करता है। यहां पर विंडोज सी ड्राइव जो है 99 GB में से 82 GB जो है फ्री है, और जो डी ड्राइव है इसमें कुछ है भी नहीं, ई ड्राइव भी खाली है। तो डी ड्राइव में कुछ नहीं है, हम सारी फाइलें जो है हम इसी में डालेंगे। तो न्यू डॉक्यूमेंट भी सेव करके हम यहां पर डी ड्राइव में यहां पर सेट करेंगे, अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है यहां पर जाएंगे और इसको भी लोकल डिस्क डी ड्राइव एंड इस तरह से सभी जो है डी ड्राइव में सेट कर देंगे एंड अप्लाई बटन पर क्लिक करते जाएंगे ताकि हमारा जो ये ड्राइव हो वो सेव हो जाए। अब क्या है कि जब पहली बार, अब इसके बाद से सेटिंग के बाद से जब आप कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो वो जो ऐप की डाउनलोड फाइल होगी वो डायरेक्ट जो है डी ड्राइव में सेव होगी, और या डॉक्यूमेंट होगा वो भी डी ड्राइव में सेव होगा, या कोई म्यूजिक होगा वो भी डी ड्राइव में सेव होगा। यानी कि अब जो भी चीजें होगी वो सब जो है डी ड्राइव में सेव होगी और आपका सी ड्राइव है ना वो स्पेशल तौर पे सिर्फ और सिर्फ जो है विंडोज के लिए सेपरेट रहेगा। यहां पर देखिए आपका जो सी ड्राइव है ये इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 रहेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब इस तरीके से आप सेटिंग करके रखेंगे तो आपका जो लैपटॉप है पूरी तरीके से फास्ट चलेगा, देखिए, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस ये जो तरीका था, आप लोग को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या आप लोग को वीडियो पसंद आई। और ये तरीका एक ऐसा तरीका है जो कि बहुत कमाल का है, क्योंकि मेन तो स्टोरेज का होता है, हमारे लैपटॉप में स्टोरेज फुल हो जाए तो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, एप्स जो है अच्छे से खुलेंगे नहीं, नॉट रिस्पेंड बताएगा। इसलिए ये तरीका हमें बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि अपने लैपटॉप को फास्ट मैंने कर लिया है तो आप लोग के भी लैपटॉप को फास्ट करने का ये तरीका आप लोग के साथ बता दूं। तो उम्मीद है वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी।